खिजर खां को ताज खां और मोहम्मद खां अपने पिता का हत्यारा मानते थे, लिहाजा वो उसको सलाम करने नहीं गए। ऐसे में खिजर खां ने उन पर ही आक्रमण की योजना बना ली। उसने सन 1421 में हिसार की जागीर मलिक रजब नादिर को सौंप दी। चौमासा के अनुसार दोनों भाई पहले अपने ननिहाल जैसलमेर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात दोनों भाई अपने नाना द्वारकादास टांग के पास आकर सन 1421 में नागौर रहने लगे तथा मौकल सिंह चित्तौड़ को अपना धर्म भाई बनाया। जॉन कवि का कहना है कि दोनों भाई नागौर के नवाब फिरोज खां के बुलाने पर एवं बड़ी खाटू की जागीर देने पर नागौर आए थे तथा उसके साथ रहने लगे। सन 1428 ईस्वी में जब राणा मौकल ने नागौर पर आक्रमण किया तब दोनों भाई तटस्थ रहे, परिणाम स्वरूप फिरोज खान पराजित हुआ। सभी लाशों पर जूंजा जाट की लाश रखकर उसका दाह संस्कार किया गया। बाद में इसी जूंजा जाट के नाम से झुंझुनू शहर बसाया गया। खिजर खां की मृत्यु हो जाने पर ताज खां और मोहम्मद खां ने वापस हिसार पहुंचकर न केवल मोहम्मद हसन जो 1427 से फौजदार था उसका ही कत्ल किया अपितु खेतड़ी पाटन तथा खटकश तक के राज्य का और विस्तार किया। मोहम्मद खां उस अवधि में हांसी चला गया था। ताज खां और उसके पुत्र फतेह खां ने करीब 26 और 5 वर्ष हिसार में बिताए। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे संवत 1490 में दिल्ली में भयंकर उपद्रव हुआ और उसमें ताज खां गंभीर घायल हुआ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक निखिल को दे इजाजत। नमस्कार।